मुस्लिमों की एक ही आवाज, भारत की खाएंगे, इसराइल को निपटाएंगे, फिलिस्तीन को बचाएंगे। इसराइल और हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया दो खेमे में बच गई। इसराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कुछ और रास्ता ना बचे तो दुआ काम करती है। इसी की राह पर चल पड़े हैं नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ के वो लोग जो इस वक्त हमास के समर्थन में। इस बीच शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसराइल के विरोध में प्रदर्शन किए गए। युद्ध में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए लखनऊ के आसिफी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद दुआ पढ़ी गई। लोगों ने नारेबाजी की और इसराइल को जुल्मी देश तक करार दिया। जुम्मे की नमाज के दौरान मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ पढ़ी। मौलाना ने कहा कि वहां के हालात चिंताजनक है, शांति बहाली होनी चाहिए, हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। बकौल मौलाना खालिद रशीद, फिलिस्तीन की सरजमी पर लोगों ने कब्जा किया है, वहां हजारों नहीं सैकड़ों लोगों की जान गई है, महिलाओं और बच्चों को भी मारा जा रहा है। हमारे लोगों ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया, महात्मा गांधी से लेकर आज तक की हुकूमतों ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया। यूनाइटेड नेशन ने भी वहां के मानव अधिकार को लेकर के हक की बात कही। मौलाना ने आगे कहा कि इसीलिए आज हम जुम्मे के दिन फिलिस्तीन की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जो नमाजी पाक मन से दुआ करता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, वहां हर हाल शांति बहाल हो। मौलाना महली यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कल ही विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही और हमें उम्मीद है कि वहां पर जिस तरीके से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उस पर सभी लोग साथ खड़े होंगे। हमारा विरोध फिलिस्तीन के हालातों पर है और आज की दुआ और नमाज भी फिलिस्तीन के साथ समर्थन में की गई। फिलिस्तीन में शांति बहाली के प्रयास किए जाएं और वहां की लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के अलावा जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में भी फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है, हालांकि पुलिस ने इसे रोक दिया। वहीं जम्मू कश्मीर की कई मस्जिदों में जुम्मा की नमाज के दौरान अमन कायम करने की दुआएं की गई। हैदराबाद में इजराइल हमास संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन में युवाओं के एक समूह ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। युवाओं ने बैनर ले रखे थे जिन पर लिखा था फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में और गाजा कभी नहीं मरेगा, फिलिस्तीन लंबे समय तक जीवित रहे और फिलिस्तीन को मुक्त करो। विरोध प्रदर्शन का आह्वान नौजवान भारत सभा और दिशा छात्र संगठन ने किया था, हालांकि पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स को रोक दिया। और गौरतलब है कि जुम्मे के दिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए लखनऊ का पुलिस प्रशासन जो है वो भी मुस्तैद है। ऐतिहासिक शिया समुदाय की आसिफी मस्जिद पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुराने लखनऊ के तमाम ऐतिहासिक मस्जिदों के पास भी पुलिस अलर्ट है और नमाज के लिए आने जाने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है, बस पुलिस एहतियात नजर रख रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा था कि भारत सरकार की मंशा के खिलाफ अगर कोई वक्तव्य या प्रदर्शन करे तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसराइल फिलिस्तीन मामले को लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।